मना कर दें। यहाँ पर ऑनरेबल एडर महाराजा हरि सिंह जी के मेजर जनरल राजन सिंह हैप्पी जी, मैं उन सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्री राजन सिंह हैप्पी जी का महाराज पावर लिफ्टर श्री अनमोल भारद्वाज साल इस दिन को इतने अच्छे से यहाँ पे सबके लिए पूरिया चेयरमैन जनरल जोरावर सिंह मेमोरियल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट जम्मू विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर उमेश राय जी, डिविजनल कमिश्नर जम्मू श्री रमेश कुमार जी, मेजर गोवर्धन सिंह जी, ब्रिगेडियर विजय सागर जी, दीक्षा कलहुरिया, जम्मू कश्मीर प्रशासन के सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित, देवियों सज्जनों और मित्रों, सबसे पहले मैं भारत के महानतम मिलिट्री स्ट्रेटजिस्ट एवं योद्धा जनरल जोरावर सिंह जी की पुण्य स्मृति पर उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन्हें सत सत नमन करता हूं। आज ही के दिन 12 दिसंबर को तिब्बत में लड़ते हुए जनरल जोरावर सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए थे। मुझे लगता है कि देश उन्हें अखंड भारत के उस महान योद्धा के रूप में देखता है जो अनेक पीढ़ियों के लिए अपनी वीरता, मिलिट्री स्ट्रेटजी एवं थिंकिंग से प्रेरणा, नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। मैं ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं जो भारतवर्ष के आत्मविश्वास तथा स्वाभिमान के प्रतीक जनरल जोरावर सिंह जी की स्मृति और उनके जीवन कर्तव्यों को जनमानस में पहुंचाने का कार्य कर रहा है। मित्रों, मैं जिस विश्वविद्यालय में पढ़ा हूं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय, पहली बार वहीं मैंने इनका नाम सुना था और हिंदू विश्वविद्यालय से जो संबंध है वो मैं आपको बताता हूँ। वहाँ एक बड़ा पुराना म्यूजियम है, भारत कला भवन। जनरल जोरावर सिंह जी की पेंटिंग का एक स्क्रोल जिसमें 11 पेंटिंग प्लेट्स हैं वहाँ भारत कला भवन में रखा गया है और वहाँ के संग्रहालय के लोगों का कहना है कि शायद यह एकमात्र सुरक्षित स्क्रोल है जो जनरल जोरावर सिंह जी के सैन्य अभियानों पर प्रकाश डालता है। अपनी अदम्य इच्छा शक्ति, वीरता, कर्मठता एवं कुशल सैन्य संगठन की शक्ति के बल पर बड़ी बड़ी ताकतवर सेनाओं एवं अत्यंत विपरीत परिस्थितियों पर उन्होंने जिस प्रकार से विजय प्राप्त की उसकी कुछ झलकियां उस पेंटिंग में दिखती हैं। जनरल जोरावर सिंह जी का जीवन मुझे लगता है कि सशक्त भारत के सपनों का एक प्रतीक है। महाराजा गुलाब सिंह जी के नेतृत्व में डोगरा साम्राज्य के विस्तार और अखंड भारत के सिंहनाद को रणक्षेत्र में मूर्त रूप देने में जनरल जोरावर सिंह जी का अप्रतिम योगदान रहा है। 1834 से लेकर 1841 के दौर में मुझे लगता है कि जितने भी महान व्यक्तित्वों ने हमारे देश को मजबूत करने में योगदान दिया उसमें जनरल जोरावर सिंह जी का नाम सर्वोच्च प्राथमिकता में लिया जाएगा। इस दौरान लद्दाख, बाल्टिस्तान के अनेक सैन्य अभियान उनकी उत्तम सूझबूझ और दृढ़ इच्छा शक्ति के प्रमाण के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। मैं उन्हें शौर्य, अनुशासन और कर्तव्य परायणता का प्रतिबिंब मानता हूं जिन्होंने दुनिया के सामने ये प्रमाणित किया कि वीरों के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता है और माँ भारती की श्रद्धा में अनंत संभावनाएं भी निहित हैं। आज आजादी का अमृत कालखंड पूरा देश मना रहा है। इस अमृत कालखंड में आजादी की लड़ाई, हमारी आजादी के मूल्यों तथा राष्ट्र निर्माण में योगदान देने वाली महान विभूतियों का पूरा राष्ट्र आज स्मरण कर रहा है। मैं समझता हूँ इस अमृत काल में जनरल जोरावर सिंह जी जैसे महान व्यक्तित्वों के कार्यों और जीवन मूल्यों के बारे में नागरिकों और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को अधिक से अधिक
जानने की आवश्यकता है, बताए जाने की आवश्यकता है। सभी नागरिकों को उस शक्ति का संदेश याद रखना और समझना होगा जिसका आधुनिक भारत के निर्माण में भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। इसलिए मैं मानता हूं कि आज भारतवर्ष की एकता अखंडता की रक्षा करना सभी नागरिकों का भी दायित्व है, उनका धर्म भी है, और इसी कर्तव्य का पालन करके जनरल जोरावर सिंह जी को सच्ची श्रद्धांजलि दी जा सकती है। कोई भी समाज या राष्ट्र जो अपने बहादुर पूर्वजों को भूल जाता है, मैं समझता हूँ वो रास्ते से भटक जाता है। आज़ादी मिलने के पश्चात भी जम्मू कश्मीर में क्या कुछ होता रहा है मुझे बताने की आज आवश्यकता नहीं, लेकिन ये एक ऐसा दिवस है जिस दिन हम सब संकल्प ले सकते हैं कि जैसा जम्मू कश्मीर जनरल जोरावर सिंह बनाना चाहते थे, जिस जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कुर्बानी दी, उस जम्मू कश्मीर में अब निर्दोष नागरिकों के खून सड़क पर न गिरे, इस इंतजाम में हमारे सेना के जवान, हमारे बहादुर फोर्स के लोग लगे हैं। मुझे लगता है कि जो सामान्य नागरिक का कर्तव्य, हमें भी उसी तरह उनके साथ खड़े होकर के इस अभियान में शामिल होना चाहिए। इतनी ही बात करता हुआ फिर से मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए और ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि उनकी वीरता, उनके समर्पण का भाव जम्मू कश्मीर के नागरिकों में भी पुनर्निर्मित हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। थैंक यू सर।